गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अच्छा बताइए, आपने सुबह चाय पिया नहीं पिया? मैं तो चाय पी रहा हूँ अभी। आप लेंगे मेरे साथ चाय? आपका चाय सर क्या स्पेशल है? नहीं, मेरा चाय कुछ स्पेशल नहीं है। मेरे चाय में सिर्फ इतनी सी बात है कि मेरे चाय में एक तो दूध कम होता है और गुड़ से बनती है, जैगरी मैं इस्तेमाल करता हूँ। आपको पता ना, जैगरी जो है वो शुगर की तुलना में ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल होती है। उसमें थोड़ा सा आयरन, कुछ मिनरल्स भी उसके अंदर होते हैं। शुगर जो है बहुत रिफाइंड टाइप की होती है। जो शुगर, रॉ शुगर होती है वो अच्छी होती है। सफेद शुगर जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। खैर, ये तो बात की हमने चाय के बारे में, तो चाय पियेंगे। आज चाय पीते पीते बात करते हैं। एक बार एक मेंटल हॉस्पिटल होता है, उस मेंटल हॉस्पिटल में एक आदमी होता है, पागल रहता है वो, ठीक है, मतलब मेंटल केस रहता है। वो आदमी एक बड़ा सा जो है वो डंडा लेकर, एक बड़ी स्टिक को लेकर वो सांप को मारने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब उसको कहीं कहीं सांप दिखाई देते हैं और वो डंडे से उन सांप को मार रहा होता है, और वो चाहता है कि लोग उसकी मदद करें, जबकि असल में वो सांप होता ही नहीं है। असल में वो सांप होता ही नहीं है, पर वो आदमी उस डंडे को लेकर जो है वो सब दुनिया पूरे कमरे में घूमता रहेगा, उठेगा, शोर करेगा, बोलेगा अरे वो सांप है, हटो वहां से, डंडा लेके जाएगा, फिर डंडा मारेगा वहां पे, है ना। ये उसकी तकलीफ है, और वो लोगों से रिक्वेस्ट भी करता है कि मेरी मदद करोगे सांप को मारने में। अब लोग बाग उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन बात तो ये ना कि सांप तो असली में है ही नहीं है, वो तो उसकी कल्पनाओं में है सांप। अब आदमी मदद करना चाहे भी तो कैसे मदद करे, ठीक है। आपको सोच के बताओ, ऐसे आदमी की क्या कोई मदद कर सकता है? बहुत मुश्किल है। हमारी कई सारी समस्याएं भी ऐसी होती है सांप के समान। हमारी कई सारी समस्याएं जिनको हम बहुत बड़ा बना लेते हैं, जिनके बारे में सोचते हैं, जिनके बारे में हम बहुत कुछ जो है दिमाग में डालकर क्या करते हैं, हम अपने प्रयासों को करना कम कर देते हैं। हमें लगता है समस्याएं बहुत बड़ी है, हमें लगता है कि मेरी समस्या बहुत ही खराब है, मेरा क्या होगा। दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखो, वो बोलेगा नहीं यार ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि उसको वो सांप दिख ही नहीं रहा है जो तुमको दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि कहते हैं 90% से अधिक समस्याएं, 90%, 5-7%, 10% तक असली समस्याएं हो सकती है, पर 90% तक जो प्रॉब्लम होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में होती है, वो आपके ब्रेन के अंदर ही बसी होती हैं। मतलब उनके सॉल्यूशन आसपास मौजूद होते हैं और वो समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती है, सिर्फ हम उनको जो है वो उस सांप के समान पालते रहते हैं। हमें लगता है यहाँ सांप है, वहां सांप है, वहां सांप है, चलो वहां मारते हैं। ऐसे ही हम उन समस्याओं पर फोकस कर हम सॉल्यूशन पर फोकस नहीं करते हैं, और कई बार हम जो है वो पागलों जैसा व्यवहार करते हैं। मैं ये जो बातें कह रहा हूँ बिल्कुल पते की बातें कह रहा हूँ। कारण ये है कि अभी मैं जैसे फंक्शन में मिला, मैं कई बच्चों से मिला, तो एक बच्ची ने बताया कि उसके फादर जो है वो हैंडलूम वीवर है, वो जो कपड़ा बनता ना हैंडलूम का उसे बनाते हैं। बहुत सज्जन आदमी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। कई बच्चे बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए, एक के पापा मनरेगा में कुछ करते हैं, खेती भी नहीं, कई कुछ के बच्चे, कुछ के फादर पेरेंट ऐसे जो खेती में, जो बड़ी खेती में जो होता है ना अपना, जैसे बोलते हैं खेती में लेबर करना, एग्रीकल्चर लेबर, वो भी काम करते हैं। लेकिन उन परिवारों का फॉर्चून बदलने वाला कौन है, उन परिवारों का भाग्य बदलने वाला कौन है? वो बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है, वो बच्चा जो डॉक्टर बनने जा रहा है, कुछ सालों की बात है, परिवार को जो दिन पहले देखने पड़े वो दोबारा नहीं देखने पड़ेंगे। आप सोचो ना, ज्ञान एजुकेशन जो है वो फॉर्च्यून को बदलता है, भाग्य को बदलता है। तो समस्याओं को कभी, जब कभी भी आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, तो मैंने जो आपसे कहा है ना कि सोचिए उस बारे में, क्या वाकई में समस्या का कोई अंत नहीं है? यदि वाकई में उस समस्या का कोई अंत नहीं है तो सोचने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है, क्योंकि जिस समस्या का कोई अंत नहीं है तो उसको सोच के आप कर भी क्या लेंगे। और जिस समस्या का यदि सॉल्यूशन आपके पास है तो ठीक है, फोकस ऑन द सॉल्यूशन, खत्म करो समस्या, आगे बढ़ो। तो एक्चुअली में समस्या तो है ही नहीं कहीं पर, जो सॉल्वेबल है वो समस्या ही नहीं है, और जो नॉट सॉल्वेबल है उसका सोच के भी क्या कर लेंगे।
इसीलिए फोकस ऑन द सॉल्यूशन, फोकस ऑन द आउटकम, कि क्या कर रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए हमको, है ना। अपने मन के अंदर के भरोसे को कभी भी हमें डिगाना नहीं चाहिए। चाहे कितनी बड़ी चुनौती हो, चाहे कितना ही बड़ा चैलेंज सामने आए, अपनी हिम्मत को बनाए रखिए। ये सोचिए कि कुछ लोग मेरे से आगे हो सकते हैं, पर कई लोग मुझसे पीछे भी रहेंगे यदि मैं सफर में चलता रहूंगा। तो एक बच्ची ने कल फोन करके पूछा, सर मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे क्या करना चाहिए, नीट करूं कि ये करूं कि वो करूं। तो बेटा, जब तक आप अपनी मंजिल को डिसाइड नहीं कर लेंगे, आपके अनुसार कभी चीजें नहीं घटेंगी। यू शुड डिसाइड योर टारगेट, योर गोल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो जब भी कभी आपको लगता है कि यू हैव ए प्रॉब्लम, थिंक अबाउट दैट केस, कि वो समस्या वाकई में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। वही मेंटल हॉस्पिटल केस की बात की मैंने आपसे, क्या फालतू का सांप तो नहीं दिखाई पड़ रहा हमको, और मैजिक बॉक्स का कॉन्सेप्ट मैंने बताया तो उसे फॉलो कीजिए। एक बॉक्स बनाइए, समस्या को उसमें लिखिए, डाल दीजिए। कई बच्चों ने मुझे अपने मैजिक बॉक्स के बारे में बताया, फेलिसिटेशन सेरेमनी में कई बच्चों ने बताया। बच्चे इतने अच्छे हैं कि उनको जो बोलो वो अक्षर फॉलो करते हैं, इसीलिए वो वहां तक पहुंचे। मैं हमेशा कहता हूँ कि बायोमेंटर से यदि पाना है, तुमको कुछ ले प्राप्त करना है, तो जो टीचर्स तुम्हारे कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, उसमें कोई इफ और कोई बट मत लगाइए। फिर देखिए आप, हम सब साथ होंगे। एक आदमी था, वो बड़ा अच्छा भाला फेंकने वाला था। भाला समझते हो, बड़ा सा लंबा सा होता है, लोहे लोहे का टिप होता है भाला फेंक, मतलब वो कहते हैं सब कई मीटर तक भाला फेंक लिया करता था वो, पूरे गांव में, पूरे राज्य में जो लोग कहते हैं कि सबसे अधिक भाला फेंक, अच्छा भाला फेंकने वाला है वो, ठीक है। जिस भी कॉम्पिटिशन में जाए वहां जीत के आए वो, ठीक है। एक बार उस भाला फेंकने वाले को खबर मिलती है कि जो अपना राजा है वो भी बहुत बढ़िया भाला फेंकता है, आज तक कोई उसको हरा नहीं पाया राजा को, कोशिश भी की तो राजा बड़ा खतरनाक है वो, जब आपने हराने की कोशिश भी की तो वो जीत तो जाएगा वो, और आपने कोशिश ज्यादा कर दी आपने तो हो सकता है आपको जिंदगी ना छोड़े वो, हार उसे पसंद नहीं राजा को। राजा ने भी सुन रखा था कि कोई गांव में बहुत अच्छा भाला फेंकता है, बोला बुलाओ उसको, बुलाया। राजा बोला कि तुम्हें कल हमारे साथ सुबह मॉर्निंग में भाला फेंक के दिखाना है, देखते तुम में कितना दम है। अब वो आदमी, ठीक है साहब, अब राजा बोल रहा, आना पड़ेगा, आता सुबह। अब जब वो आदमी के भाला फेंकने की बारी आती है, पहले राजा भाला फेंकता है, राजा दूर तक फेंकता है, आदमी की बारी आती है, वो पूरी कोशिश करता आदमी कि वो जीत जाए राजा से, ताकि राजा ने जो सुन रखा वो प्रूवन हो जाए, राजा को इनाम दे दे। फेंकता है लेकिन उसका भाला राजा से बहुत पीछे रह जाता है। राजा कहता है कि तुमने तो कई प्रतियोगिता जीती है, इसमें तो इससे लंबा भाला फेंका है तुमने, आज तुम्हारा भाला पहले कैसे गिर गया। तो बोलता साहब मैंने तो पूरा दम लगाया, पता नहीं कैसे गिर गया। तो मंत्री को बुलाते हैं, जो बुद्धिमान मंत्री होता है, हर राजा के दरबार में एक ऐसा आदमी होता है ना, हर राजा के दरबार में एक ऐसा आदमी होता है बुद्धिमान होता है, उसको बुलाते हैं, पूछते भैया ऐसा कैसे हो गया। तो वो कहता है कि साहब इसके इसके सब कॉन्शियस माइंड में आपका भय है, यदि आप राजा ना होते ना और सिर्फ प्रतियोगी होते तो ये आपको चुटकियों में हरा देता, लेकिन इसके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सजा का डर है, आपके खौफ का डर है, और वो खौफ और डर जो है इसको इसकी क्षमताओं से आधा करने की तरफ लेके चला गया। जिंदगी में जब भी कभी हम एग्जाम देते ना, तो एग्जाम से बड़ा एग्जाम का खौफ है, नीट से बड़ा डर उसको नीट को अटेम्प्ट करने का डर है। परफॉर्मेंस आधी रह जाती है, डरना बंद करो, पढ़ना चालू रखो, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं कल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।